कंसोल में से कुछ लोग उठे और फिर मेरे खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखते देखते एक लोगों ने नारेबाजी शुरू की और देखते देखते वो दादा किसकी बोल रही है किसी को नहीं पता, बस वो उस भीड़ ऐसा बनते चले जा रहे हैं। अब वो देखते देखते मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, फिर आजकल क्यों चल रहा है, गोदी मीडिया उसके नारे लगने लगे। मैंने कहा भाई हुआ क्या, मैं कुछ गलत बोला तो बताओ, मैं सही कर लेती हूं। कोई कुछ बोले तो यार ऐसा एक नहीं बोला और देखते देखते वो पूरा एक छोटी सी सिंगारी बड़ा आगे रख लिया। फिर पता चला 500 लोगों की भीड़ ने मुझे और मेरे कैमरे को घेर लिया। अब या तो हम अपना काम छोड़ें या तो कोई पत्थर चला देता हूं वहीं पे, पता चलेंगे। वो 500 की भीड़ मेरे पीछे पीछे, मैं कहा घर जाके पहुंचा के मारूंगा, तो मैं जा रही हूं कैमरे से बचने की शुरू कर दी। फिर मैंने देखा, मैंने कहा कैमरा तोड़ दिया जाएगा, कैमरा में भी फट गया था क्योंकि फिर मेरे हाथों से तो बचते हैं लोग, बट मेरे को मार मार के बड़ा हो जाएगा। और फिर हमने तुरंत किया एक चीज लगती है, कहा इसलिए छोड़ो गाली जाएंगे, पहले तो इनसे बचने की बात करते जाएगा। फिर वहां पर 5 घंटे बैठे रहे, मैं ऑफिस में फोन कर दिया, मैंने कहा ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ऑफिस वाले बिल्कुल गए, मैंने क्या बोला कि वो भीड़ भर गई, इससे आप आज तक किसी पास नहीं है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। गोदी मीडिया वालों को भी अपने बहिष्कार का कारण जानना है। उन्हें नहीं पता चल रहा कि आखिर क्यों लोग उनसे नफरत करने लगे हैं, क्यों उनके खिलाफ हैं और क्या कारण है कि उन्हें लोग जमीन पर खदेड़ने लगे हैं। मतलब मासूमियत हो तो गोदी मीडिया वाली, वरना ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम गोदी मीडिया के बहिष्कार पर आज क्यों बात कर रहे हैं और आखिर गोदी मीडिया को ऐसे सवालों से भला फर्क पड़ा कब है जो आज पड़ेगा। तो आपको बता दें कि गोदी मीडिया को आपसे जो नफरत और हिकारत मिलती है उससे फर्क पड़ता है। भले ही टीवी पर वो बेशरम नजर आए लेकिन उन्हें लोगों ने नकार दिया है, इसका एहसास उन्हें अच्छी तरह से है। नहीं तो भरी सभा में आप इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि गोदी मीडिया की जानी पहचानी प्रोपेगेंडा क्वीन चित्रा त्रिपाठी लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाने पर सफाई देने लगे और वो भी घटना के 1.5 साल बाद। आपको याद होगा चित्रा त्रिपाठी का वो वायरल वीडियो जिसमें किसान आंदोलन को कवर करने गई चित्रा त्रिपाठी और आज तक की टीम को लोगों ने मुजफ्फरनगर में खदेड़ दिया था। चित्रा उस वीडियो में आगे आगे चलती दिखती है और पीछे लोगों का एक हुजूम चित्रा को खदेड़ते हुए दिखाई देता है। लोग वीडियो बना रहे होते हैं तो झुंझलाकर मैडम सामने वाले शख्स की मोबाइल पर भी हाथ मारते हुए दिखती हैं। वीडियो काफी चर्चा में रहा था और तब चित्रा की जबरदस्त ट्रोलिंग भी हुई थी। तब तो मैडम ने खुलकर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी लेकिन अब उस घटना के साल बीत जाने के बाद मैडम का दर्द आखिरकार छलक पड़ा है। एक कार्यक्रम में चित्रा ने उस घटना को याद करते हुए कहा कि उस दिन चित्रा को ऐसा लगा कि वो लोग शायद उसे या चैनल के कैमरा पर्सन को मार देंगे। साथ ही चित्रा ने बताया कि इलाके में किसी एक घर में उन्होंने 5 घंटे तक शरण ली थी और बाहर गली में लोग गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वहां से मैडम को रिपोर्टिंग के लिए लाल किले की तरफ जाना था लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि लोग बाहर काफी आक्रामक हो चुके थे। उस दिन की घटना को बताते बताते चित्रा अपनी चालाकी पर उतर आई और कहा कि उसे समझ ही नहीं आया कि लोगों ने उसे घेर क्यों लिया था और आखिर क्यों उसके और उसके चैनल के खिलाफ इस कदर नारेबाजी की कि उस दिन वो रिपोर्टिंग तक नहीं कर पाई। चित्रा के इस चालाकी भरे सवालों का हम जवाब देंगे लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि चित्रा त्रिपाठी ने खुद को खदेड़ दिए जाने पर आखिर कहा क्या। अचानक से उनमें से कुछ लोग उठे और फिर मेरे खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते एक लोगों ने नारेबाजी शुरू की और देखते ही देखते वो दारा किसलिए हो रही है ये किसी को नहीं पता, बस वो उस भीड़ का हिस्सा बनते हुए चले जा रहे हैं। अब वो देखते देखते मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, फिर आजकल क्यों चल रहा है, गोदी मीडिया उसके नारे लगने लगे। मैंने कहा भाई हुआ क्या, मैंने कुछ गलत बोला तो बताओ, मैं इसको सही कर लेती हूं। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ एक ने बोला और देखते ही देखते वो पूरा एक होता है कि छोटी सी चिंगारी बड़ा आग लगा सकती है। फिर पता चला 500 लोगों की भीड़ ने मुझे और मेरे कैमरामैन को घेर लिया। अब या तो हम अपना काम छोड़ें या तो उनमें से कोई पत्थर चला दे तो हम वहीं पे बात निकलने लगे। वो 500 की भीड़ मेरे पीछे पीछे, मैंने कहा भाई घर तक जाके पहुंचा के मारोगे क्या, तो मैं तो जा रही हूं, जाने दो। फिर फाइनली वहां पे पुलिस फोर्स आ गई, फिर उसके बाद फिर वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था मेरा, कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने गालियां भी दी कि हां ये तो जरूर इसने कुछ बोला होगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि वो भीड़ भड़क गई, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एक ने गोदी मीडिया शुरू किया, देखते ही देखते वहां पे 50-100 लोग इकट्ठा हो गए। अब उन लोगों ने हमारे कैमरामैन से बचने की शुरू कर दी। फिर मैंने देखा, मैंने कहा कि कैमरा तोड़ दिया जाएगा, वो कैमरामैन भी बहुत डर गया था क्योंकि फीमेल पे हाथ छोड़ने से तो बचते हैं लोग, बट मेरे को तो मार मार देगा तो कितना बुरा हो जाएगा। और फिर हमने तुरंत डिसाइड किया, एक पतली सी गली थी, हमने कहा इस गली के अंदर चलते हैं, छोड़ो लाल किला नहीं जाएंगे, पहले तो इनसे बचे उसके बाद फिर देखा जाएगा। फाइनली हम उस गली में घुसे, बाहर वो नारेबाजी चलती रही अंदर में वहां पर 5 घंटे बैठी रही। मैंने ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया, मैंने कहा ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ऑफिस वाले बिल्कुल डर गए कि मैं 5 घंटे अंदर रही, वहां पे बाहर 5 घंटे नारेबाजी चलती रही। फिर फाइनली वो लोग जब वापस गए तो जो घर के लोग थे उन्होंने ले जाके फिर हमारी गाड़ी तक छोड़ा और हमारी जान बच गई। मतलब गोदी मीडिया का हिसाब किताब ऐसा है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, पांचों उंगलियां ये घी में तो डाले रखना ही चाहते हैं और साथ ही साथ उम्मीद ये बांधे रखते हैं कि लोग इन्हें मुंह में मलाई मिश्री डालकर चले जाएं। तो मैडम चित्रा त्रिपाठी, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब कि आखिर क्यों लोगों ने तुम्हें महापंचायत की कवरेज से रोका था, तो वो ये है कि क्योंकि वहां मकसद तुम्हारा लोगों की बातें जनता तक पहुंचाना नहीं था बल्कि उन्हें सत्ता के इशारों पर खालिस्तानी, पाकिस्तानी और देश विरोधी जैसे नाम देकर उनकी छवि खराब करना था। और बात जहां तक खदेड़ दिए जाने की है तो उसका जवाब है कि गोदी मीडिया का बॉयकॉट किसान आंदोलन ने पहले दिन से कर रखा था और जब बिन बुलाए मेहमान की तरह कोई पहुंच जाए तो उसकी खातिरदारी नहीं की जाती है। अब आइए चित्रा के दूसरे सवाल पर, जब वो कहती हैं कि मैं पूछ रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत बोला और अगर वो बता देते तो मैं उसे सुधार लेती।
तो जवाब यह है कि आखिर आप क्या क्या सुधार लेती हैं चित्रा त्रिपाठी, क्या जो सिलसिलेवार तरीके से उस दौरान जो प्रोपेगेंडा चलाई गई थी उसे आखिर आप एक लाइन में क्या बोलकर खत्म कर देती और उस चैनल से लोगों को क्या ही उम्मीद हो जो अपने पत्रकार राजदीप सरदेसाई को एक महीने के लिए ऑफ एयर कर देता है सिर्फ ये रिपोर्टिंग करने के लिए कि किसान आंदोलन के एक प्रदर्शनकारी की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। उस चैनल से और वहां के पत्रकार से उम्मीद क्या ही की जा सकती है। लेकिन इन तमाम दलीलों से एक बात तो साफ है कि गोदी मीडिया को एहसास है कि लोगों के बीच उसकी कोई साख बची नहीं है और इसलिए ही अब बात सफाई तक आ चुकी है। इस मसले पर क्या है आपकी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।